रामोजी फिल्म सिटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। पास कहां पर है? देख के बोल के पिछड़ता ना, इन्हों भी थे बाहुबली फिल्म में। राजमाता बाहुबली का स्टैचू, इसका आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। महेंद्र बाहुबली यानी मैं। कैंटीन की खास बात क्या है मैं आप लोगों को बोलता हूँ। अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं महेंद्र बाहुबली, बाहुबली के सेट पे जाने वाले हम लोग। इधर आइए, वहाँ नहीं। पास कहाँ है आप? पास कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए, बैठिए, पकड़ो इसको। अरे जान दे रहे हो, अंडरा के। ये हम लोग अभी आ गए हैं बाहुबली के सेट पर। यहीं पर बाहुबली फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी। तो चलिए चलते हैं अंदर, बाहुबली का सेट देखेंगे। अपन भी बाहुबली 3 बनेंगे, क्या हो? ठीक है ना, चलो आप, मैं फोन मार दूँ आपको, वापसी में आओ। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर उतरे हुआ है, बाहुबली का जो सेट था उसका पूरा स्ट्रक्चर उतरे हुआ है। ये देखिए बाहुबली फिल्म में जो बताया गया प्रॉपर सेट, उसका पूरा स्ट्रक्चर डमी यहाँ पर है उतरे हुआ। यहाँ पे जो पुतला ना रस्सियों से खींच के ऊपर चढ़ाते थे वो यहाँ पे चढ़ाए थे। यहाँ पे उन्हें बैठ के दूरबीन में से देख के बोल के पिछड़ता ना, वो यहाँ का सीन है वो। तो ये पूरा बाहुबली का जो सेट लगाया गया फिल्म सिटी में, ये पूरा उसका डमी पीस है, उसका एक मॉडल है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो अब अंदर जाके रियल देखेंगे अपन, चलिए। अब बजाएंगे अपन घंटा। वाकई में बोरिंग मारे सी आवाज आ रही। आइए महेंद्र बाहुबली। तो ये है बाहुबली फिल्म का सेट, जहां पर आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े हत्या जो लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े विशाल काई हाथियां, ये मगरमच्छ बाहुबली फिल्म में यूज हुए। अब आप लोग आप पूछेंगे मगरमच्छ कहाँ दिखे बाहुबली फिल्म में? तो बाहुबली फिल्म में वो तालाब बता देखो, हीरोइन से बात करने जाता हीरो, वो तालाब के अंदर थे। इन लोगों का क्लोज शॉट लगाना भूल गए। इन्हों भी थे बाहुबली फिल्म में, थे नहीं थे? कट्टप्पा बाला आ गए कट्टप्पा को। तो ये है पूरा बाहुबली फिल्म का सेट, जहाँ पर पूरा सेट लगाया गया था। और उसके बाद ये सेट को ऐसे ही छोड़ दिया रामोजी फिल्म सिटी में, ताकि लोग आए और यहाँ पर विजिट करें और एक्सपीरियंस कर सके कि बाहुबली फिल्म कैसा शूट हुई थी बोल के। आइए ये देखिए यहाँ पर पानी भरा, ये भी बाहुबली मूवी में यूज़ किया गया था। उसका स्ट्रक्चर है देख सकते हैं आप, इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मूर्तियाँ उतरी हुई हैं पूरी। राजमाता आप फिक्र मत करिए, मैं आपको छुड़ा लूँगा। बाहुबली फिल्म में जो प्रभास की मांगू बनके डाल देते, लकड़ियों से जलाते करते जलाने जाते, तो उनको जो चैनों से बनके डाल देते, देखिए वो यही सेट है और यहाँ पर बने हुए हैं। जरा पलट के उधर बताओ, नहीं पलटते कहते, यहाँ से आओ बरा। ये देखिए महेंद्र बाहुबली यानी मैं। राजमाता आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, वो जो बाहुबली का पुतला वाला खींच के लगाते नहीं बड़ा, तो वो वहाँ पर लगाया गया था बाहुबली का स्टैचू बड़ा वाला। आइए तो ये है वो रथ जो बाहुबली फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, जिसको लाखों और हजारों लोग पकड़ के लाते, फिर भी उन्हें जल्दी आता नहीं, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे बच्चे खींच दे रहे। कई को बोले तो ये प्लास्टिक और लकड़ी से बने हुआ है, एकदम हल्का है, लोहे से बना से नहीं होता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहुबली कैंटीन में, जहां पर बाहुबली बिरयानी चैलेंज चल रहा है। बाहुबली बिरयानी चैलेंज जो भी जीतेगा उसके लिए बहुत ही बेहतरीन इनाम आएगा। थे वो चैलेंज तो अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये कैंटीन में जो है बाहुबली थाली मिलती, बाहुबली खाना मिलता, बहुत सारे चीज़ें बाहुबली के नाम से मिलते। आइए देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मिलता, चलिए। अरे ऊपर का कहाँ गया? अच्छा यहाँ है। ये है वो पुतला जो रस्सी पे बन के वहाँ पे खींच के लगा रहे थे, इसका आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, बीच का हिस्सा कहाँ है नहीं मालूम। और ये है वो तीरों की मशीन, तीरा लगे हुए इसमें देख सकते हैं आप। हाँ खाली आधे हिस्से में इतना दिख रहा हूँ मैं, तो पूरे हिस्से में कितना दिखूंगा। तो ये है बाहुबली फिल्म में जो बड़ा पुतला बताया गया था, जिसको रस्सी से बन के खींचते लगा, वो पुतला यहाँ पर है। और ये कार्डबोर्ड प्लास्टिक का बने हुआ है,
देख रहे आप खाली आधे के सामने मैं इतना दिख रहा हूँ, तो पूरे के सामने कितना दिखूंगा एक बार बताइए। कितनी लंबी धोती पहना भाई ने, ओ गलत जगह आ गया। आबा। इतनी लंबी धोती, कितनी बड़ी चप्पल पहने हुआ है भाई ने, देखो आप 6.5 मीटर की चप्पल है। धोती बनाने कितने थाना लगेगी उसको। यहाँ पे फोटो ले ले सकते हैं। और ये वो मशीन है, उस पर काट लेते आता देखो ने, घर 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 सामने लगा के ब्लेडा। अच्छा इसको बनाए कैसा वो आपको मालूम? ये दिखने में तो आपको एक एंटीक कैसा बनाएगी भाई बोल के दिख रहा, अंदर देखो आप बुलेट लगा दिए, इधर ये देखो अंदर बुलेट लगा दिए। अमेंद्र बाहुबली यानी मैं, राजमाता यानी तुम। ये है राजमाता, साड़ी आड़ी पहन लेके। आरएस ब्रदर्स का एड दे रहे सर का दिख रहा है, साड़ी डाल लेके देखो आप। अच्छा हम आपको अभी अभी मालूम हुआ कि सेट पे कटप्पा भी है, तो मैं आपको मिलाऊंगा कटप्पा से, बाहुबली के जो कटप्पा थे। ये देखिए कटप्पा हमारे साथ है। यही कुमार उस्ताद तुम बाहुबली को गलत करे ना। ये है देवसेना जो कि खड़े हुए यहाँ पे, मेकअप वेकअप कर लेके जरा बाहुबली को देख रहे हो। जरा आप भी आता हूँ, जरा व्लॉग बनाना है, यहीं ठहरो जाना नहीं। ये है महेशमति का साम्राज्य। हम आ चुके हैं बाहुबली के सेट पर। ये है बाहुबली की हथियारा, नए नए यूनिक हथियारा जो फिल्म में बताए गए थे, वो हथियार ये है। इसमें गोले बन के मारते, देखिए बाहुबली में ये वो हथियार है, कर 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 कर। ये है तीरा जो बाहुबली फिल्म में यूज करे थे। अरे चुप चुप का ये तो यही वो बैला थे जो बाहुबली फिल्म में उसको मारे थे, उठा के पटक दिए थे। देखो बैल, फिर उन्हें बैल को उठा के पटक देता, वो थोड़े अलग थे, ये थोड़े अलग है। ये फोटोज वोटोज लेने के लिए लगा के रख दिए। ठीक है बेटे, माफ कर दिया, मुंडी ऊपर उठा लो, मुंडी झुका के ही खड़े हुआ है। देवसेना को किडनैप करके यहाँ पे डाल दिए थे देखो बाहुबली में। जज साहब, जज साहब, मैं निर्दोष हूँ जज साहब, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा गुनाह बस इतना है, सोच के बोलना पड़ता जज साहब। महेंद्र बाहुबली यानी मैं, नक्को करो आ रो, अच्छा नहीं दिख रहा, वो महेंद्र बाहुबली है, तुम दलिंद्र बाहुबली दिख रहे। तो बाहुबली का पूरा सेट देख लिए, बहुत मजा आया, बहुत ही बड़ा सेट था और एक से एक चीज़ें देखने को मिले, कैंटीन में खाना भी हो गया। और अब यहाँ से जाएंगे हम चिड़ियाघर दूसरे लोकेशन पे, अब टाइम बहुत कम है, देखेंगे कितना कवर कर सकते। उससे पहले ये सामने देखिए आप, एक किश्ती रखी हुई है, बताइए वहाँ पे। ये किश्ती सड़क फिल्म की याद दिला रही मेरे को, संजय दत्त को महारानी बन देती नहीं किश्ती पे। संजय दत्त ए महारानी ए महाराना ए, सड़क फिल्म की किश्ती दिख रही हो, पूरी सिंधिया हो गई किश्ती रखे हुई है। देखिए बस आ गई भाई, बस आ गई। तो अब जा रहे हम लोग आज चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को जाऊंगा मैं, चिड़िया से मिलाऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग आ गए हैं कैंटीन के पास। ये कैंटीन की खास बात क्या है मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम, ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पीछे जो कैंटीन देख रहे हैं आप, ये असल में कटप्पा की कैंटीन है, कहते साइड बिजनेस उन्होंने कैंटीन का डाल लिए थे, कहते शूटिंग लंबी चलने वाली है बोल के। अभी हम लोग आगे हैं अस्करी गार्डन, बर्ड पार्क है, कहते बटरफ्लाई म्यूजियम है यहाँ पे, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। और चीचा को देखो, चीचा बैठे हुए इधर, चीचा के ऐप्स देखिए, और दूसरा मत देखिए, आगे चलिए, कपड़ा डाले हुआ है। ये गार्डन एरिया है जहाँ पर फिल्मों के रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सीन्स जो है यहाँ पे शूट करते, ज्यादातर जो है यहाँ पे गानों की शूटिंग होती। अभी हम लोग आगे हैं बर्ड पार्क में, यहाँ पे कई सारे बर्ड्स हैं, हम लोग यहाँ देखेंगे। आइए, कबूतर के जैसी बतख, कबूतर के जैसी बतख देखिए, पेंगुइना भी है वहाँ पे नकली, जियान की बहन ब्लैक सियान यहाँ पर है।
अरे असली है नकली है ये? अभी हम लोग जाने वाले कलर्स पार्क में। जैसा कि मैं आपको बताया, ये पार्क है और यहाँ पर जो है बॉलीवुड के रोमांटिक गाने जो होते हैं यहाँ अंदर पार्क में जो है शूट होते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सन फाउंटेन। पीछे देख सकते हैं आप, पीछे जो घोड़े दिख रहे हैं वहाँ पे एक फाउंटेन है जिसका नाम है सन फाउंटेन। आइए। तो ये है आई लव रामोजी फिल्म सिटी का फॉन्ट यहाँ पर लिखे हुआ है। यहाँ पे बैठ के लोग आप फोटोवां ले रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पीछे सन फाउंटेन है, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा भूस। तो अभी हम लोग जाएंगे यूरेका, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, अभी वहीं पे वापस जाएंगे। रामोजी फिल्म सिटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, देख सकते हैं आप। रामोजी फिल्म सिटी जो कि ओपन हुई 1996 में और इसका एरिया जो है वो 1666 एकड़ पर फैला हुआ है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, रामोजी फिल्म सिटी का टूर। हम कोशिश करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग के ज़रिए बताने की। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। छिन्निया वीडियो आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम।